यार एक टाइम ऐसा था कि 30,000 में बड़े बड़े अच्छे फोन आया करते थे। सही पकड़े हैं। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि 30-40,000 वाले फोन जो हैं वो 70-80,000 में बिकना शुरू हो गए। और उसके बाद में आप लोगों का रिएक्शन कुछ ये था, हमको जिंदा मत छोड़ो सालों। तो आज मैं आपको एक ऐसा फोन बताने वाला हूँ जो कि आप 30-35,000 की प्राइस में खरीद सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं आपको कोई किट फोन नहीं बताने वाला, हम बॉक्स पैक की बात करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रेडमी ने नया फोन लॉन्च किया था पाकिस्तान में, टैगलाइन है सबको रेडमी चाहिए और फोन है रेडमी 12C। तो आओ आज देखते हैं इस फोन के बारे में सारी चीजें, जानते हैं डिटेल के साथ कि क्या वाकई ही में ये रेडमी सबको चाहिए। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो ये वैसे एक पीआर बॉक्स है, आपको जो है वो जो मिलेगा वो ये वाला रिटेल बॉक्स होगा। तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं वैसे, एक 4GB 64GB वाला 31,000 का और एक 4 128 वाला है वो आपको मिलेगा 34,000 का। प्राइसिंग तो वैसे अच्छी आई है, इतना बजट तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर लेता है, वैसे तो महंगाई बहुत है। खैर ये आ गया 12C, अब करते हैं इसको अनबॉक्स, इसकी सील खोलनी पड़ेगी। क्या बोला तूने? हमारे पास 128GB वाला वेरिएंट है वैसे ये, और इसमें हमारे पास जो कलर आ रहा है वो ग्रे कलर है। खैर अगर आगे अनबॉक्सिंग में देखा जाए कि बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ पेपर वर्क है और एक सिम टूल भी देखने को मिल रहा है, एंड साथ में एक जो है वो माइक्रो USB केबल है, इसकी बात करते हैं। और एक चार्जर है जो कि 10 वोल्ट का एक नॉर्मल चार्जर है। देखो कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं, उनके बारे में बात की जाएगी, सारा बताता हूँ। तो आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, इसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। ये ग्रे ही है या ब्लैक है, की चक्कर है यार? ग्रे ही है, आई एम कंफ्यूज ब्रो। सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट लुक आपके सामने है, डिजाइन वगैरह। वैसे डिजाइन के बारे में अगर मैं अपनी बात करूं तो थोड़ी सी ओल्डिश लुक आ रही है, लेकिन भाई याद रखो अपना बजट और पाकिस्तान की महंगाई आपके सामने है, बात तो सही है। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात की जाए तो वो इसकी सॉलिड है, और इसमें बैक पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, दो कैमरास देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर ड्रॉप टेस्ट किया जाए तो कैसा रहेगा, फोन बजट में आ रहा तो क्वालिटी चेक करनी चाहिए। इससे पहले आई थिंक मैंने कोई फोन ड्रॉप नहीं किया, तो चलो फिर देखते हैं। ये 1 2 3 गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है यार, वैसे जितने जोर से ये गिरा ना मुझे लग रहा था कि फोन गया, बट क्वालिटी काफी सॉलिड है और ये मेरा फर्स्ट टाइम ड्रॉप टेस्ट था। खैर फोन में हमें जो है वो MIUI 13 देखने को मिलता है और ये एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। बाकी अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर हमें जो है वो 6.7 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 720 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। लेकिन अगर क्वालिटी वगैरह ब्राइटनेस को लेकर बात की जाए या फिर कंटेंट कंजप्शन की बात करूं तो उस मामले में ये आपको किसी किस्म का धोखा नहीं देगा। 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, कलर्स वगैरह व्यूविंग एंगल्स जो है वो इसके सारे जबरदस्त निकल कर आते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखो, प्राइस बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है आजकल के हिसाब से। अच्छा अब अगर इसके फिजिकल रिव्यू की तरफ आया जाए तो यहाँ पर यार बेजल्स वगैरह भी ठीक हैं और हमें जो है फ्रंट पे नोच मिल रही है, सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, बॉटम पे एक माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट नहीं है, इसमें हमें जो है वो माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल रही है, इस चीज का मुझे थोड़ा सा दुख है। बाकी अगर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी डाल देते तो टाइप सी और 18 वॉट इसमें बड़ा लाइक फाड़ू काम हो जाना था। खैर क्या कर सकते हैं, बजट वगैरह आप देख लें। बाकी यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल रही है, राइट साइड पे पावर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की जाए, ऊपर आपको जो है वो 3.5mm जैक देखने को मिलता है, एंड लेफ्ट साइड पे हमें जो है वो सिम ट्रे देखने को मिल रही है। अब इसका जो फिंगरप्रिंट है वो हमें बैक पर देखने को मिलता है, कैमरा उसके साथ ही। तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो देखते हैं भाई, जैसे ही टैप करते हैं फोन अनलॉक हो जाता है, लाइक जो वर्क है वो काफी ज्यादा परफेक्ट और फास्ट करता है, ठीक है। और अगर इसके स्पीकर की तरफ देखा जाए, एक सिंगल स्पीकर आ रहा है लेकिन क्वालिटी जबरदस्त है, आपको मसला नहीं होने वाला, चेक करो। और उसके बाद में अब अगर आया जाए इस फोन की परफॉर्मेंस की तरफ, देखो अभी इस बजट में ना ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसमें हमें मिल रहा है MediaTek का हिलियो G85। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, सिचुएशन देखो और अपना बजट देखो, उस लिहाज से G85 बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन है, पबजी या 40 FPS पर खेल पाओगे, बट एक मसला है, देयर इज नो जायरो। अब देखो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप गेमिंग भी कर सकते हो, नॉर्मल यूज के लिए चाहिए वो तो सीन बहुत ही ओपी है। बाकी अगर इसके कैमरास की तरफ आया जाए तो बैक पे दो कैमरास है, एक कैमरा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा एक डेप्थ सेंसर है। और कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो देखो डिसेंट है, कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लो और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये आपको कैसे लगे। मैं आपको फिर वही बता रहा हूं भाई, अपना बजट देखो, सिचुएशन देखो, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको भी देखो और लाइक कर दो।
और फोन में जो है वो बैटरी हमें मिल रही है 5000 mAh की। तो अगर सीधी सी बात कीजिए ना इस फोन के बारे में, अब देखो बजट है हमारा 30,000 से 35,000, दो वेरिएंट्स आ रहे हैं, आप चूज कर लो आपको कौन सा चाहिए, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओवरऑल अगर बात करूं तो सोशल मीडिया कंजप्शन के लिए, मूवीज देखने के लिए, और एक ऐसा फोन जो आप लाइक डेली लाइफ में अपने ऑफिस वर्क में भी यूज करते हैं, तो उस मामले में आपको कोई इशू नहीं आने वाला, लाइक सारी चीजें जो है वो आपको लेटेस्ट ही मिल रही हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिन पे हमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, खासतौर पर फास्ट चार्जिंग की अगर बात की जाए, और उसके बाद में अगर जायरो डाल दिया जाता तो सीन लाइक ज्यादा ही ओपी हो जाना था। बाकी ये है कि आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में, एंड अगर आपके माइंड में इस वक्त कोई ऐसा और फोन है जो नया इतनी प्राइस में ये चीजें ऑफर कर रहा है तो ये मुझे लाजमी से कमेंट में बताना। खैर मैं तो आपको ये रेफर कर सकता हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी आपके सामने है, बाकी आप मुझे बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, फोन कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी से बताना। और यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, मैम तो आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्यून देखते ही, तब तक के लिए बाय।